टेलीकॉम के बाद मुकेश अंबानी देश में किराना क्रांति लाने जा रहे हैं। रिलायंस किराना स्टोर्स पर POS मशीन लगाने जा रही है। POS मशीन लगने से ये स्टोर्स e-commerce प्लेटफॉर्म से जुड़ जाएंगे। इसकी शुरुआत गुजरात से हो रही है। फिलहाल 30 लाख किराना स्टोर्स को POS से जोड़ने के लिए सर्वे किया गया है, लेकिन इस वित्त वर्ष के आखिर तक 1 करोड़ से ज्यादा किराना स्टोर्स में ये सुविधा हो जाएगी। POS मशीन के जरिए किराना कारोबारी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों कारोबार कर सकेंगे। रिलायंस जियो इन्फोकॉम की POS मशीन की कीमत बाजार में उपलब्ध POS मशीन से काफी कम होगी और ये पर्याप्त संख्या में भी उपलब्ध होगी। साल 2016 में नोटबंदी के बाद रिटेल दुकानों में डिजिटल पेमेंट को प्रोत्साहित करने के लिए POS मशीन लगाने की शुरुआत की गई थी, लेकिन पर्याप्त संख्या में POS उपलब्ध नहीं होने और इसकी लागत ज्यादा होने की वजह से रिटेल स्टोर्स में डिजिटल पेमेंट को प्रोत्साहित नहीं किया जा सका। देश में रिटेल कारोबार का आकार 700 अरब डॉलर का है। इनमें से 90% असंगठित क्षेत्र से है। इस रिटेल कारोबार पर 1.5 करोड़ दुकानदारों का दबदबा है। 1.5 करोड़ रिटेल स्टोर्स में सिर्फ 15% ही POS मशीन का इस्तेमाल करने लायक हैं। इसकी बड़ी वजह है POS मशीन रखने की लागत। शुरुआत में रिलायंस POS मशीन लगाने के पैसे दुकानदारों से लेगी। हालांकि जो मशीन रिलायंस लाएगी वो बाजार में उपलब्ध POS मशीनों से काफी सस्ती होगी। POS मशीन के लगते ही ये किराना स्टोर्स रिलायंस के ऑफलाइन टू ऑनलाइन कारोबार से जुड़ जाएंगे। POS की वजह से कोई भी ग्राहक इन किराना स्टोर्स पर ऑनलाइन ऑर्डर कर सकेगा और सामान की डिलीवरी सीधे ग्राहक के घर पर होगी। रिलायंस से जुड़ने वाले किराना स्टोर्स के सामान का पूरा ब्यौरा कंपनी के पास भी होगा, मतलब स्टोर में कितना सामान बिका, कितना नहीं बिका, इसकी पूरी जानकारी रिलायंस के पास भी होगी। अभी ई कॉमर्स कंपनियां कई जगहों पर डिलीवरी देने में सक्षम नहीं है। छोटे शहर या दूर दराज के इलाके में ई कॉमर्स कंपनियां डिलीवरी नहीं दे पा रही हैं, लेकिन रिलायंस हर जगह डिलीवरी देगी। असल में रिलायंस अपने किराना स्टोर्स के जरिए कहीं भी आपको डिलीवरी देने में सक्षम होगी। दूर दराज या छोटे शहरों में रहने वालों को पास के रिलायंस स्टोर से डिलीवरी मिल जाएगी। रिलायंस सभी बड़े शहरों के आसपास वेयर हाउस भी बना रही है। NCR में सप्लाई के लिए रिलायंस 5 करोड़ की लागत से झज्जर में वेयर हाउस बना रही है। दूसरे बड़े शहरों में भी रिलायंस ने वेयर हाउस बनाने का काम शुरू कर दिया है। रिलायंस के आने से किसानों को मंडी में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। किराना स्टोर के लिए रिलायंस सीधे किसानों से सामान खरीदेगी। अभी किसान को अपनी फसल को मंडी में बेचना पड़ता है, वहां से मिल और थोक व्यापारियों के जरिए सामान रिटेल स्टोर्स पर पहुंचता है। रिलायंस के आने से ये प्रणाली खत्म हो जाएगी, यानी मिडल मैन का खात्मा हो जाएगा। मिडल मैन की भूमिका खत्म होने से रिलायंस से जुड़े किराना स्टोर्स पर सामान दूसरे स्टोर्स के मुकाबले सस्ता मिलेगा। इससे साबित हो गया है कि ई कॉमर्स में कदम रखते ही रिलायंस बड़ा कमाल करने जा रही है। रिलायंस का मुकाबला दूसरी ई कॉमर्स कंपनियों के लिए आसान ही होगा। इससे पहले रिलायंस सस्ती दरों पर डेटा देकर टेलीकॉम सेक्टर में धमाल मचा चुकी है और अब रिलायंस की ई कॉमर्स सेक्टर में धमाल मचाने की पूरी तैयारी है।